पूर्वी दिल्ली और भाजपा सांसद पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आईएसआईएस कश्मीर से अपनी जान को खतरा बताया है। गंभीर ने आरोप लगाया है कि उन्हें आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया है कि इसकी जांच चल रही है। गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईएसआईएस के कश्मीर मॉड्यूल की ओर से यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। गंभीर को ये ईमेल मंगलवार रात करीब 9 बजे मिला था। इसमें उनके परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां इसे पूरी गंभीरता से ले रही हैं और साइबर सेल ने इस केस की जांच शुरू कर दी है। दिसंबर 2019 में भी गौतम गंभीर और उनके परिवार को हत्या की धमकी मिली है। इंटरनेशनल नंबर से फोन पर मिली धमकी के बाद गंभीर ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। इसे लेकर उन्होंने शारदा के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखा था। गंभीर ने लिखा था कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नंबर से उनके और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी मिली है। आप कृपया इस मामले में FIR दर्ज करें और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगर क्रिकेट की बात करें तो टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में भारत के पाकिस्तान से हारने के बाद गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तीखी आलोचना की थी। गंभीर ने तो यहां तक कह दिया था कि विराट मानसिक तौर पर मजबूत नहीं है। गंभीर ने ESPN क्रिक इन्फो से बात करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि कोहली दबाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अब वह जरूरी मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। वह अहम मैचों में बड़ा स्कोर नहीं बना पाते, शायद वह मानसिक तौर पर उतने मजबूत नहीं रहे।